हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं, हम महिलाएं लग जाते हैं अलग अलग प्रकार के पापड़ बनाने में। तो ऐसे ही एक बाजरे के पापड़ की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर मैं आई हूं। आज हम बनाएंगे बाजरे के एकदम आसान तरीके से बनने वाले पापड़। एक बार इन्हें बनाकर रखेंगे तो आप साल भर तक के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इन्हें हम रोस्ट करके खा सकते हैं या फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाजरा लेकर उसे अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पर मैंने लगभग 300 ग्राम बाजरा लिया है। इसे पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे और पानी डालने के बाद इसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज आती हैं इसे हमें निकाल देना है। तो कम से कम 2-3 पानी में अब हम इस बाजरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और देखिए ऊपर आई हुई पूरी इम्प्योरिटीज़ को हमें इस तरह से ड्रेन करना है। दिन धुला हुआ ये जो बाजरा है इसे हमें एक छलनी के ऊपर डाल देना है ताकि जो पूरा पानी है वो ड्रेन हो जाए। देन हम इसे एक घंटे तक कपड़े में बांध कर रखेंगे और फिर हल्का सा सूख जाए तब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने छलनी पर इसे डाल दिया है एक घंटे के लिए। अब मैं इसे कपड़े में बांध कर रखूँगी। देन आप यहाँ पर देख पाएंगे बाजरा इस तरह से हल्का सा गीला रह जाएगा, तब हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और अब हम इसे हल्का दरदरा पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमारा जो बाजरा है कुछ इस तरह से दरदरा दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालकर करीबन इसे 2 दिनों तक भीगने के लिए रखना है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा छान लेती हूँ ताकि इसके ऊपर जो छिलके होते हैं बाजरे के वो रह जाए और उसे हमें रिमूव करना है। अगर हम इसे छान लेते हैं तो छलनी के ऊपर जो बाजरे के अगर कुछ दाने रह गए हों या जो भी छिलके हो इस तरह से रह जाते हैं। तो देखिए अब ये धुला हुआ छना हुआ पिसा हुआ जो बाजरा है इसमें हम पानी डाल देंगे और अब हमें इसे करीबन 2 दिनों तक भिगोकर रखना है। तो देखिए इस तरह से हाथों से फिर से एक बार मैं धो लेती हूँ इसे भी और जो हल्के हल्के छिलके इसके ऊपर आ जाएंगे उसे हम रिमूव कर देंगे फिर। तो देखिए बाजरे के जो हल्के हल्के छिलके होते हैं इस तरह से पानी के ऊपर आ जाएंगे, तो इसे हमें रिमूव करना है और अब इसे हम भीगने के लिए पानी डालकर छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट डे आप देख पाएंगे कि इसके ऊपर इस तरह से झाग सा आने लग गया है, तो इसे हमें और भी रिमूव करना है। फिर साफ़ सुथरा पानी डालकर एक दिन के लिए ऐसे 2 दिनों तक हमें इसे भिगोकर रखना है। और इसी तरह तीसरे दिन भी हमें इसके ऊपर का जो झाग है जो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएगी उसे हमें रिमूव करना है। और अब आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पर जो बाजरे का बैटर तैयार हुआ है, अब ये बिल्कुल रेडी है पापड़ बनाने के लिए। चलिए अब इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। तो मिक्सी जार में कुछ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो लगभग मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 3-4 लाल मिर्चें, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। तो लगभग 1 टीस्पून जीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। अब जिस भी भगोने में या कढ़ाई में हमें इस मिश्रण को पकाना है उसमें ऐड करेंगे पानी। तो लगभग मैं इसमें 3 गुना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी पहले हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल होने के लिए रख देंगे, इसमें से थोड़ा पानी हमें निकाल कर भी रखना है साइड में। स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार मतलब थोड़ा सा कम ही नमक ऐड करना है हमें, क्योंकि सूख जाने पर ये जो पापड़ होते हैं थोड़े ज़्यादा सॉल्टी हो जाएंगे, इसलिए हमें रेगुलर यूज़ से थोड़ा सा कम नमक ऐड करना है। और ये जो पिसा हुआ मसाला हमने तैयार किया है लाल मिर्ची और क्यूमिन सीड्स का, इसे भी डाल देते हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आने तक इसे कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी आपने देखा कि मैंने निकाल लिया है, ज़्यादा पानी हमें पहले ही ऐड नहीं करना है, नहीं तो अगर आपका ये जो मिश्रण है पतला हो जाएगा तो पापड़ बनने में दिक्कत होगी। और अब हमें थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें इस तरह से ऐड करते हुए एक हाथों से लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। तो पानी डला हुआ पूरा बाजरे का मिश्रण अब हम इसमें डाल देते हैं। गैस फ्लेम अभी हमें हाई पर करनी है और कंटिन्यू चलाते हुए इसे कुक करना है। अभी आप देख पाएंगे कि मिश्रण बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, लेकिन इसे कुक होने के लिए इतने पानी की ज़रूरत होगी।
तो जैसे जैसे ये कुक होगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तिल। आपके पसंद अनुसार आप तिल जो है कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एक कटोरी भर के तिल मैंने इसमें ऐड किए हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इन पापड़ों में। अब हमें इसके ऊपर लीड रखकर इसे कुक होने देना है, तब तक जब तक कि मिश्रण अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाना भी है। और देखिए 15-20 मिनट बाद हमारा मिश्रण जब कुक हो जाएगा तब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे पापड़ खार। एक बार इसे अच्छा सा मिक्सअप कर देते हैं और बस अब हमें गैस को करना है बंद। हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल रेडी हो गया है बाजरे का, और अब हम इसके बनाएंगे पापड़। अभी जो है मिश्रण आपको फिर भी थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके 2-3 पापड़ यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी, बाकी जो है मैं ऊपर छत में धूप में बनाऊंगी। तो डेमो के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से 2-3 पापड़ कैसे बनाए जाते हैं दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा बैटर हमें करछी में लेकर इस तरह से फैलाना है प्लास्टिक पेपर के ऊपर, और 2-3 दिन की कड़ी धूप में सुखाने के बाद आपके जो पापड़ हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो चाहे तो इसे फ्राई करके खाएं या रोस्ट करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की प्यारी प्यारी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। और वीडियो ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना है। देखिए 3 दिन तक सूखने के बाद हमारे पापड़ इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।